नमस्कार, खबर 24 एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को मुंबई के भांडुप सर्कल में अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। महावितरण के सर्कल में 600 ग्राहकों ने अपनी छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया और इससे उन्हें मुफ्त बिजली भी मिल रही है। इसमें ठाणे शहर में 53 और वासी में 150, पेड़ में 397, इस तरह कुल 600 ग्राहकों को सौर ऊर्जा मिलनी शुरू हो गई है। इससे उनका बिजली का बिल बच गया है। इस योजना में आवासीय परिवारों के लिए 30,000 रुपए प्रति किलोवाट की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि 3 किलोवाट तक अतिरिक्त 1 किलो क्षमता के 18,000 रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इस योजना के लाभ से शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सौर ऊर्जा की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवा भाव की महायुति सरकार बिजली बिल बचा रही है। पंतप्रधान सूर्य घर मोफत वीज योजनेला मुंबईच्या भांडुप परिमंडळामध्ये चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे। महावितरणाच्या या परिमंडळात 600 ग्राहकांनी आपल्या घराच्या छतावर सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवलेले आहेत आणि त्यामधून त्यांना मोफत वीज मिळणे देखील सुरू आहे। यामध्ये ठाणे शहरात 53 तर वाशीमध्ये 150, पेणमध्ये 397 अशा एकूण 600 ग्राहकांनी सौर वीज मिळवण्यास सुरुवात केलेली आहे। यामुळे त्यांच्या वीज बिलाची बचत होत आहे। या योजनेमध्ये निवासी घरगुती कुटुंबांसाठी प्रति किलोवॅट 30,000 रुपये अनुदान मिळते, तर 3 किलोवॅट पर्यंत अतिरिक्त 1 किलो क्षमतेसाठी 18,000 रुपये इतके अनुदान दिले जाते। ही योजना फायद्याची असल्यामुळे नागरी भागात देखील ग्राहकांचा मोठा ओढा सौर ऊर्जेकडे वाढत आहे। महायुती सरकारमुळे नागरिकांच्या वीज बिलाची मोठ्या प्रमाणात बचत होत आहे। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। साथ ही इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर 24 एक्सप्रेस को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।